A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to eTakshila classes. So I am Kabir Srivastav, who is going to present you NDA 2020 previous year question based on physics. So these questions will help you in exams, in all of the exams, not only in NDA, but exams like CAPF, CDS, FCAT, INET. Because in questions ko main explain karunga, aapko samjhaunga, so that ki aapko kuch concept aap log grasp kar sake, theek hai, numericals bhi comprehensively cover किए जाएंगे इस session में. So you know, please pay a great amount of attention while I'm explaining all of the stuff here. So without wasting any time, let's proceed. Which one of the following statements regarding the magnetic field is not correct? तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पूछा not correct question. जब आपने पढ़ लिया फिर आप देखें B और C option को, ये contradictory statements हैं. ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है तो ऑप्शन इन दोनों में से ही होगा. अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पहले ही पैरा में दिख जाएगा कि ये कुछ 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. उसमें ये मेंशन था कि उसकी डायरेक्शन होती है, बिकॉज वो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पे टर्मिनेट, मतलब साउथ तक जाता है, फिर देन दिस सर्कल गोज ऑन. और कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगी. ओके, और क्लोज होती है क्योंकि नॉर्थ से जा रही है और साउथ पे, ऐसे हमेशा ऐसे या ऐसे, तो क्लोज कर्व्स है. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज़ वाई क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी. ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसे मैंने पहली ही स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप रुक के पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. इस क्वेश्चन में मोस्टली लोगों ने सीवी रमन आंसर किया था, बिकॉज उन्हें लगा कि प्रिज्म है, रमन इफेक्ट है, बस कर दो टेक. नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए, हु फर्स्ट यूज्ड एज अ ग्लास प्रिज्म टू ग्लास प्रिज्म फर्स्ट यूज एज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. करेक्ट आंसर होगा आइजैक न्यूटन. थोड़ा जीके बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन ऑब्वियसली एनसीईआरटी में है. आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म. सॉरी, For the experiment, he placed two identical prisms, one in an inverted position with respect to another prism, which allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. Okay. Light enters the eye through a thin membrane called. जब आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगेन, उसका फर्स्ट पैराग्राफ जब आई का एक टॉपिक है उसमें, ठीक है, ह्यूमन आई. ओके, जब आप ह्यूमन आई का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस एग्जाम में दो क्वेश्चन उस फर्स्ट पैराग्राफ से ही पूछे गए हैं. तो लाइट एंटर कहाँ पे करती है, कॉर्निया पे एंटर करती है, थिन मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एंटर करती है. ओके, और जब आप किसी को आई डोनेट करते हैं तो आप बेसिकली कॉर्निया डोनेट करते हैं. फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द कॉर्निया विच फॉर्म्स द थिन मेम्ब्रेन एंड लाइट्स एंटर द आई. ठीक है, कॉर्निया एक्ट्स एज द आईज आउटर मोस्ट लेंस हूज फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड फोकस द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई. Next question. A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size. It is because of, again, ये रहा पानी आपका, ये रहा मान के चलिए glass tumbler, ये पानी भरा है इसमें, ये air है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको lemon बड़ा दिखेगा size में. क्यों दिखेगा? Because of refraction. ठीक है, क्योंकि ये rays आ रही हैं आपकी, ये अब denser medium में इस तरफ bend हो जाएंगी, इसकी वजह से आपको ये बड़ा दिखेगा. ठीक है, ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. सो इसीलिए, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम में आ गया, तो इमेज कहीं ना कहीं इधर उधर बनेगी. ओके, इसीलिए आपको वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, एपरेंट साइज उसका बड़ा दिखेगा. ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, बेसिकली जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. ओके, आंसर सी होगा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. एफ इज इक्वल टू आर बाय टू. इससे आसान क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकते एग्जाम में. ठीक है, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसमें ये साफ साफ मेंशन किया कि एफ इज इक्वल टू आर बाय टू होता है. ओके, ये अगर आपको डेरिवेशन देखनी है, बेसिकली आर क्या है, जब आप ये कन्वेक्स मान के चले कनकेव लेंस है, इसे जब आप पूरा एक्सटेंड कर दोगे ना, सपोज आप इसे पूरा एक्सटेंड कर देते हो ऐसे करके, इसे आप पूरा एक्सटेंड कर दोगे ना ऐसे, तो ये हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. और देन एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू आर बाय टू.
simple. In case of a concave mirror, if an object is kept between principal focus F and pole P of the mirror, then which one of the following statements about the image is not correct? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए नॉट करेक्ट पूछा है. जब एफ और पी का केस हम कंसीडर करते हैं, तब ये एक ऐसा केस है जब इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट. तो ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात एक ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल और इरेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं साथ में. कोई भी इमेज ऐसी बनी नहीं सकती जो वर्चुअल और इन्वर्टेड हो या रियल और इरेक्ट हो. देर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो ए और डी तो आप एलिमिनेट ही कर दीजिए, क्योंकि एक इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है इसमें, राइट. इन्फिनिटी वाला केस कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो. जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तब आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे. तो इनकरेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है. तो इनकरेक्ट मतलब स्टेटमेंट ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है. द इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड. ये जब आप पढ़ेंगे इमेज एट डिफरेंट प्लेसेस, तब आपको पता लग जाएगा. द इमेज इज ऑल, जब ये इस कंडीशन में, कनकेव मिरर की इस कंडीशन में, इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड. When an object is placed between the principal focus and the pole of the mirror, then the image will be virtual, erect, larger than the object and the form, and formed behind the concave mirror. Right. Agla question: the refractive index of few squats is 1.46 and that of sapphire is 1.77. So VQ hogi speed of light in quartz and VS hogi speed of light in sapphire. Simple concept hai iska ki speed is inversely proportional to refractive index value. RIV से मैं denote कर रहा हूँ refractive index value. Refractive index value किसकी ज़्यादा है? Sapphire की. तो speed obviously कम होगी. तो VQ is greater than VS. कौन सा option दिख रहा है? VQ option है, ठीक है. Explanation आपको दे दी, concept बता दिया, आगे बढ़ते हैं. A lens has power of plus 2.0 diopter. Which one of the following statements about the lens is true? इसमें सिर्फ आपको एग्जाम में सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस रखना है. पहले तो प्लस साइन, प्लस साइन क्या मेंशन करता है कि पॉजिटिव लेंस है. पॉजिटिव लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस. आप पूछते हैं ना, किसी लड़के से पूछिए, लड़की से पूछिए, अभी अगर वो उसकी एज है 20-21, तो उससे सबको मोस्ट प्रोबेबली सबको कनकेव लेंस लिखा होता है. तभी वो बोलते हैं मेरा नंबर है -2, -1.5 या -0.5, ऐसे करके, क्योंकि उन्हें कनकेव लेंस लगा. यानी प्लस साइन है तो कन्वेक्स लेंस हुआ. अब वैल्यू पे जाते हैं, टू. तो पी इज इक्वल टू 1/f. पी की वैल्यू क्या है? 2. तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5. सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कन्वेक्स और 0.5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिखेगा आपको. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच आई ऑलरेडी मेंशन. आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. द फिनोमेना इन ऑप्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ द सन इज. करेक्ट आंसर स्कैटरिंग. अब मैं बताता हूँ कैसे. Scattering is equal to 1 की पावर means 1 by lambda की पावर 4, ठीक है. अब जिसका lambda सबसे ज़्यादा उसकी scattering उतनी कम. इतना समझ गए? अब lambda red का ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा red का ज़्यादा है lambda, तो scattering उसकी कम होगी. इसके लिए scattering कम है तो इसलिए जो sun है वो हमें red दिखता है. sunrise और sunset के time पे red दिखता है, क्योंकि बाकी कलर scatter away हो जाते हैं, बिखरा जाते हैं. जब बिखर जाएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है. दैट इज ये करेक्ट फिनोमिनन होगा स्कैटरिंग. आप पढ़ सकते हैं, वही मैंने आपको बताया. हैव ये द लाइट अदर देन द रेड कलर इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे एंड देन द लाइट इज द रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड विच एंटर्स आवर आईज. दैट इज व्हाई द सन अपीयर्स रेड. राइट, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ साउंड वेव्स. इसमें सिर्फ अगर आपको साउंड वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक पता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी उसे ट्रैवल करने के लिए साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. तो क्या वैक्यूम में एक मीडियम है? बिल्कुल भी नहीं है. उसने स्टेटमेंट क्या दिया? साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारे क्वेश्चन पूछा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी. In an incandescent electric bulb, the filament of the bulb is made up of which metal? इसका आंसर है टंगस्टन. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. और इसमें क्या होता है, आपने बल्ब देखा होगा, जैसे ये बल्ब है वहाँ पे आपको ग्रे कलर का कुछ दिखेगा. ये सीएफएल बल्ब में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है.
क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होंगे ना उसमें आपको दिखेगा ग्रे कलर का, तो वो टंगस्टन होता है बेसिकली. उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. इट इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट कैन सस्टेन एट हाई टेम्परेचर एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट विद द हाई रेजिस्टिविटी. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इसमें पहले हम पूरे सर्किट का आर की वैल्यू निकालेंगे. उसे मैं डिनोट करूंगा सपोज RES, RESI से. ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I या V इज इक्वल टू आई आर. तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I. ये R और इस R से आप मतलब कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को. दैट इज ये इस R की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, अभी हम सर्किट के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो V की वैल्यू 12 है, 100 मिली एम्पेयर है, तो एम्पेयर में 0.1 हो जाएगा. तो क्या आगे वैल्यू 120 ओम. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कुछ बच्चे यहीं 120 ओम का टिक करके आ जाएंगे. आप ये देखें, इस आर की वैल्यू पूछी है. ये है, दोनों इक्वल है. ठीक है, दोनों इक्वल है और पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/R + 1/R. इसकी वैल्यू हमें पता 1/120 है, करेक्ट. तो इस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240. सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये है जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, बी. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी. जूल है, बिल्कुल है. अब इसे एक्सप्लेन करूँ तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो गया. तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वॉट आर तो हो ही सकता है. वॉट आर हो जाएगा, तो वॉट आर भी सही है. एफ एस कॉस थीटा आपने पढ़ाई है, तो एस होता है डिस्टेंस, एफ होता है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर. यहाँ पे आना चाहिए था के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 या पर सेकेंड स्क्वायर जैसे इसमें, तो मीटर स्क्वायर आना चाहिए था, तो यानी ये गलत है. राइट, आगे बढ़ते हैं. ये कैपलर थर्ड लॉ पे, ये रहा हमारा कैपलर थर्ड लॉ. अब देखिए R1 1/4 का क्यूब, तो क्यूब है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/64, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1/8. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. राइट, आगे बढ़ते हैं. मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन लेंथ. जब आप उसे काट देंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगी. मान के चलिए 20 ओम की थी, मैंने इसे हाफ से काट दिया तो 10 ओम 10 ओम. ठीक है, इसे आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में ही, मतलब काट दिए तो सीरीज में चीज़ें प्लस हो जाती है. जब मैं इसे ज्वाइन कर दूँगा देन अगेन इट विल बी 20 ओम. राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली. तो 10 ओम 10 ओम तो वैसे ही हो गया. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना लेंथ के, तो 10 ओम 10 ओम हो गया. लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी. अब इसे हमने पैरेलल में लगा दिया, ये रहा सर्किट, ये रहा पैरेलल, 10 ओम 10 ओम. तो जस्ट अ सेकेंड, 1/10 + 1/10, तो कितना हो जाएगा, 5 ओम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जस्ट अ सेकेंड, 5 ओम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इम्पिंजेस परपेंडिकुलरली ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इफ द एरिया ऑफ द सर्फेस इज हाफ द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है. तो अगर मैंने उसे हाफ कर दिया, मैंने एरिया को हाफ कर दिया, तो रेडिएशन फोर्स क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो डबल हो जाएगी, सिंपल. ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था. आगे बढ़ते हैं. द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज. अभी मैंने एक क्वेश्चन इसी पे डिस्कस किया था, उसमें पूछा था कि लाइट कहाँ पे सबसे पहले हिट करती है, एंटर करती है, तो कॉर्निया होता है. अब इसने पूछा कि इमेज कहाँ पे बनती है, तो वो रेटिना पे बनती है. ठीक है, वही मैंने कहा कि अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे इसी से दो क्वेश्चन आए. व्हेन द लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई थ्रू द कॉर्निया, जो कि पहला क्वेश्चन था, मतलब इनिशियल जो यू नो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वीडियो, वो जो पहला क्वेश्चन था. देन इट पासिस थ्रू द एक्वस ह्यूमर, द आई लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर, देन द इमेज इज फॉर्म द रेटिना एंड द इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. जो रेटिना पे इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा रेटिना. आगे बढ़ते हैं. सॉरी, अ प्रोटोन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन अबव. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटोन विल बी. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इसमें अपने को.
आप अपने हाथ को ऐसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लेके जाएं, अपनी थंब, अपना इंडेक्स और अपनी मिडल फिंगर को 90-90 डिग्री पे खोल लें, ठीक है। अब थंब आपका अपनी स्क्रीन के ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए उसे, बट इतना मेक श्योर कीजिएगा कि आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा साइड में ले जाके अब आपको दिखेगा कि जो आपका थंब है वो प्रोटोन की डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपके इंडेक्स फिंगर दिखा रही है और मिडल फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, राइट। इसे विजुलाइज ज़रूर करिएगा। पेज आपका ये पूरा है 2D में, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा तो वो तो 2D में हुआ, तो आपकी तरफ जो पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? वो कर रहा है आउट ऑफ द पेज, यानी आपकी तरफ जब पॉइंट आउट कर रहा है, यानी पेज के मीन्स आउट ऑफ द पेज, पेज की तरफ नहीं, पेज के बाहर शो कर रही है मिडल फिंगर आपको, तो आउट ऑफ द पेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इधर, आउट ऑफ द पेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साउंड इज नॉट करेक्ट? देखिए, बी और सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी एक टाइप ऑफ वेव के लिए, तो साउंड वेव्स इन दोनों में से कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो साउंड वेव्स हम सबको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी हमें पता है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर क्योंकि ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एंड द साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द शॉर्ट सर्किट सर्किट कंडीशन ऑकर्स द करंट इन द सर्किट, ये हमेशा सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगा। देखिए, जीरो हो नहीं सकता, कांस्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है सडनली, तो करंट जो होगा हमारा इंक्रीजेज सब्सटेंशियली, ठीक है, और रैंडमली चेंज नहीं करेगा, हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। ओके, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है सडन राइज इन वोल्टेज इज देयर, आफ्टर द फेस गॉट शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द करंट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली टू सेवरल मैग्नीट्यूड्स व्हिच इज लार्जर देन द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? करेक्ट आंसर होगा एक्सरेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब आप देखेंगे EMS, तो उसमें आपको देखी जाएगा सबसे पहले गामा, देन एक्स, देन UV, फिर उसमें उसने ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें जो इस तरफ होते हैं उन सबकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए काफ़ी इंटेंस वेव्स होते हैं, इनके हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स बोलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसलिए आपको बोलते हैं ना कि गामा XUV से हम बच के हैं, बिकॉज उनका वेवलेंथ कम है, इसलिए आपको पेनिट्रेट कर जाएंगे, और जब आपको कोई चीज़ पेनिट्रेट कर जाती है तो यानी वो आपको रेडिएट करेगी, ठीक है। इसीलिए जो अगर आपने चेर्नोबिल देखा होगा, चेर्नोबिल वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें इस चीज़ के बारे में, कि जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतने ज़्यादा वो पेनिट्रेट करेगा और आपको रेडिएट कर देगा और म्यूटेट कर देगा आपके DNA को, एंड यू विल बी हैविंग सो मेनी डिजीजेस, ठीक है, रेडिएशन रिलेटेड डिजीजेज। ओके, सो एक्स रेज इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन डी, ये आप पढ़ सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज, देखिए यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि गैल्वेनोमीटर है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी करता है बट यहाँ पे, और विस्कोमीटर वगैरह, तो डायफ्रेक्टोमीटर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, विस्कोमीटर अलग चीज़ है, विस्कोसिटी मेजर करता है, रिफ्रेक्टोमीटर अलग चीज़ है, तो हर एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो गैल्वेनोमीटर ही है, गैल्वेनोमीटर करेक्ट होगा। ये आप पढ़ सकते हैं इसकी क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्शन एंड इंडिकेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट NDA 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिक्स। ओके, आपने देखा होगा कि इसमें 22 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, और आपको 50 क्वेश्चन आते PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, 22 क्वेश्चन, यानी हाफ ऑफ द पेपर जो 50 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज में, वैसे तो टोटल 150 क्वेश्चन है, बट उसमें से 50 में से जो अगर हम 50 क्वेश्चन की बात करें जो साइंस है, उसमें से 22 क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है, यानी 1/6 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे बिल्कुल मिस आउट ना करें। फिजिक्स को बहुत थॉरली पढ़ें, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखें, न्यूमेरिकल आपको कम मिलेंगे, ठीक है। जैसे +2.0 था तो वो न्यूमेरिकल नहीं था, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि आपको ये समझ है कि ये प्लस क्या सिग्निफाई करता है, और P=1/N। सो नॉर्मल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी बहुत इजी न्यूमेरिकल मिलेंगे, सॉल्वेबल न्यूमेरिकल, ये नहीं कि HC वर्मा का एक न्यूमेरिकल उठा के दे दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला न्यूमेरिकल। आपने देखा कि सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा था, कोई किरचॉफ सर्किट नहीं पूछा, कोई आई मीन
यू नो किरचॉफ करंट कुछ भी नहीं पूछा आपको, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उन सब पे ज़्यादा फोकस रखें, आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखें। सो इस वीडियो को लाइक करें एंड इफ यू फाइंड एनी इम्प्रूवमेंट टू बी डन फ्रॉम आवर साइड प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ई तक्षला क्लासेस एंड शेयर आउट दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो वी विल बी कमिंग विद मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस ऑन डेली बेसिस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। Thank you. Goodbye.